हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ मीठा चीला बनाने, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। संडे स्पेशल ये ब्रेकफास्ट है। मैंने 100 से 150 ग्राम के लगभग मैंने ये शक्कर लिए हैं, और एक कटोरी के लगभग ये आटे हैं। एक कटोरी और मैं आटे डालूँगी, लगभग 200 ग्राम के लगभग ये पूरे आटे होंगे। इसमें एक गिलास पानी लगेगी, जो आप देख सकते हैं। आप आटे में गुड़ को डाल लें और पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करें। देख सकते हैं मैंने पूरे गुड़ इसमें डाल दिए हैं, और एक गिलास पानी की मात्रा जो मैंने बताया था थोड़े थोड़े करके डालें। देख सकते हैं इधर, आप देख सकते हैं ये ऐसा ही आप डो अपना रखें, इसका ज़्यादा ना पतला रखे ना जगाइए। और देखिए अब 2 मिनट रेस्ट पे मैंने डाले थे, इसलिए ये ठीक भी हो चुका है पूरी तरह से अच्छे से, और शक्कर भी इसमें मिल चुके हैं। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ, देख सकते हैं, और पैन को आप गर्म कर ले। गैस मैंने जला दिए हैं, अब देख सकते हैं पैन गर्म हो चुके हैं। इसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग आप रिफाइन डाल दें, और इसके बाद में मैं इसमें ये डो जो है उसको मैं डालूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी डालें 1 से 2 चम्मच के लगभग। और मैं इसे आप चाहे तो हाथ का ले सकते हैं फिर, या आप कड़छुल छलनी से भी इसे फैला सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह पतला आप फैलाते जाएं इसे। देखिए शक्कर भी पूरी अच्छी तरह से इसमें गल चुके हैं। फ्लेम को धीमा ही रखें, अधिक तेज ना रखें, नहीं तो जल जाएगा ये। आप देख सकते हैं दोनों ये अच्छे से एक तरफ से आप देख सकते हैं पक गए हैं। देखिए कितना प्यारा सा कलर इसका आया है। इस तरह से आप दोनों तरफ से इसे देख लें। ये बहुत ही अच्छा स्पेशल नाश्ता है, बहुत ही टेस्टी भी होता है। देखिए इसी तरह से आप भी सीखते हैं। बिल्कुल 2 से 4 चम्मच के लगभग घी या रिफाइन में बन करके तैयार हो जाता है। अधिक तेल भी नहीं, तेल या रिफाइन भी नहीं लगती है, और टाइम भी बहुत कम लगता है। और एक्चुअली बच्चों को भी अधिक मीठा पसंद होता है, और संडे को कुछ स्पेशल डिश होना भी चाहिए, इसलिए मैंने ये बनाया है। आप लोग भी अपने फैमिली के लिए बनाएं, और एक बार मेरे कहने पे बना करके इसे खा करके ट्राई करें। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही क्रिस्पी और मीठा मीठा होता भी है। आप देख सकते हैं मैंने दो बनाए हैं। आप भी इसी तरह इसी प्रोसेस से सारे बना लें, और गर्मा गर्म परोसे सर्व करें चटनी के साथ। मैंने मैंगो चटनी के साथ परोसा है, प्लीज़ आप लोग भी इसे बनाइए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।